जहां बारिश से उफान पर धर्मगंगा नदी के तेज बहाव में वही जेसीबी नदी के तेज बहाव में हो रहा कटान, तो स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। बुढ़ाकेदार से पिंसवाड़ वाली सड़क भी टूटी, तो ये बड़ी जानकारी आपको टिहरी से बता दें। बारिश से उफान पर धर्मगंगा नदी, तो बता दें कि एक बार फिर जो है पहाड़ पर मौसम बदला है और उसके चलते नदियां नाले एक बार फिर उफान पर हैं। कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है, तो टिहरी से भी देखिए तस्वीर सामने आई है जहां तेज बहाव में जेसीबी बहते नजर आ रही है। तो नदी के तेज बहाव में कटान उड़ा है, स्थानीय लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। बुढ़ाकेदार से पिंसवाड़ वाली सड़क भी टूटी है, तो ऐसे में अब लोगों को के आशियानों तक जो खतरा है वो यहां पर जिस तरह से नदी में कटान हो रहा है उसको लेकर देखा जा रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी जो है वो पूरी तरीके से नदी में समाये हुए दिखाई पड़ रही है। तो जेसीबी इन तेज लहरों की चपेट में आपको नजर आ रही होगी, टिहरी की ये तस्वीर है। बारिश से धर्मगंगा नदी पर किस तरह से रौद्र रूप देखने को मिल रहा है वो आप देख सकते हैं, और इसी के साथ नदी के तेज बहाव में कटान भी तेजी से होते हुए कई जो सड़क है वो यहाँ पर टूटी है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है, तो मौके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो आफत क्या है, बारिश का दौर जो है वो लगातार देखा जा रहा है। संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, टिहरी से बेहद ही भयावह नजारा, धर्मगंगा नदी उफान पर। जी, टिहरी जिले का जो घनसाली विधानसभा है अति संवेदनशील क्षेत्र है, और अभी पिछले दो माह पहले यहाँ पर बादल फटने से बड़ी आपदाएं आई थी जिसमें कि 5 लोगों की भी मौत हुई थी। और क्योंकि अलग अलग जगह 3-4 जगह बादल फटे, और ये जो धर्मगंगा और जो बाल गंगा है और ये दोनों में नदियां उफान पर आ गई थी, और अपने जो नदी के जो किनारे जो लोग थे और जो मकान थे उनको भी अपनी चपेट में ले लिया। और आज फिर जो रात को तेज बारिश हुई, तेज बारिश से जो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो वहां पर काम चल रहे थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही जो नदी का जो तेज बहाव इतना था और भारी मात्रा में पानी आ गया जिसमें कि एक जेसीबी बह गया। तो कुल मिलाकर जो जेसीबी है वो आप विजुअल में भी देख रहे हैं कि किस तरह से पानी तेज आया और पानी की चपेट में ये जेसीबी आ गया। साथ ही जो बुढ़ाकेदार से पिंसवाड़ जाने वाली जो सड़क है वो भी पानी के तेज बहाव से कटकर पूरी तरह से रास्ता टूट गया है और आवागमन बंद हो गया है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जब तेज बारिश हुई है और तेज बारिश से तेज घनसाली में नुकसान हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी लापरवाही जो इस समय पीएमजीएसवाई की देखने को मिल रही है। क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा जो पिछली बार आपदा आई थी और जिला प्रशासन ने वहां पर आपदा प्रबंधन के तहत वहां पर काम ये तो एक लापरवाही जाहिर तौर पर है, और ऐसे में अगर अभी बात करें तो अभी क्या कुछ वहां पर हालात हैं और जिस तरह से नदी में कटान हो रहा है उसको लेकर अभी तक क्या कदम उठाए गए प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लोगों में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जी, जिस तरह से पिछली बार आपदा आई थी और आपदा को लेकर जिला प्रशासन ने मुस्तैदी से नदियों के दोनों तटबंधों की तरफ काम करना शुरू कर दिया था, सुरक्षा दीवार लगाने शुरू कर दी थी, लेकिन पीएमजीएसवाई की घटिया निर्माण के चलते जो नदियों के दोनों तरफ जो दीवारें लगाई जा रही हैं वो घटिया तरीके से लगाई जा रही हैं। और अब जो ग्रामीण है जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पीएमजीएसवाई घटिया तरीके से काम कर रहा है, थोड़ी सी बारिश आ रही है और ये दीवारें टूट जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर गहनता से जांच होनी चाहिए। पीएमजीएसवाई के द्वारा जो घटिया काम किया जा रहा है इसकी बिल्कुल, और इस लापरवाही पर अब क्या एक्शन होता है, क्या यहाँ पर खामियां पाई जाती है देखना होगा। और फिलहाल बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बागेश्वर से बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां बारिश की वजह से सरयू नदी का भी बड़ा जलस्तर, तो लगातार हो रही बारिश से कई मार्ग बंद हो गए हैं। भारी बारिश से किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है, तो भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। तो जिले में बीते दिन से लगातार हो रही है बारिश, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे बागेश्वर से जहां बारिश की वजह से सरयू नदी का बड़ा जलस्तर, तो लगातार बारिश से कई मार्ग बंद हो चले हैं जिनको खोलने की कवायद जा रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश इस दौरान चुनौती पेश करती नजर आ रही है। भारी बारिश से किसानों की फसलों को भी नुकसान, तो भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। तो वहीं हरिद्वार में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बारिश से जगह जगह जलभराव, बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, तो मौसम विभाग ने अगले 2 दिन जताई बारिश की आशंका।
तो ये बड़ी खबर आपको एडवांस बता दें, जहां बारिश से यहां पर भी देखिए जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त होते हुए जो रफ्तार है वो थमी नजर आ रही है। वाहन रेंगते दिखाई पड़ रहे, जगह जगह जलभराव से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। वहीं तो लक्सर में भी बदला मौसम का मिजाज, हवाओं के साथ हुई बारिश, बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, किसानों की धान की फसल को नुकसान। तो लक्सर से ये बड़ी खबर है, जहां मौसम का मिजाज बदला है, हवाओं के साथ तेज बारिश यहां पर होते हुए बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि इस बारिश के दौर के बीच किसानों की जो फसल है उन्हें भी नुकसान पहुंच रहा है, धान की फसल को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में किसानों में चिंता की लकीर बढ़ते हुए, तो बारिश के दौर के बीच चुनौतियां पहाड़ पर लगातार जारी है। तो कई दिनों की तेज धूप के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। तो बुधवार शाम से ही प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में बारिश का जो दौर है वो देखा जा रहा है, और इसकी भविष्यवाणी पहले ही मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई थी, जो सटीक साबित हुई। बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई इलाकों में बारिश ने एक बार फिर मुसीबत बढ़ाना शुरू कर दिया है। पर्वतीय जिलों की अगर बात करें तो नदियां नाले वहां पर जलस्तर उनका बढ़ते हुए नजर आ रहा है, वो अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिससे एक बार फिर लोग भय के साए में हैं। टिहरी की बात करें तो टिहरी में बारिश के बाद नदी उफान पर है। धर्मगंगा नदी में इतना तेज बहाव देखा जा रहा है कि बहाव के चपेट में एक जेसीबी आ जाती है, जो लहरों के बीच बहती दिखाई पड़ रही होगी आपको। वहीं बागेश्वर में भी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तो लगातार हो रही बारिश से कई मार्ग यहां पर अवरुद्ध हो गए हैं। हरिद्वार में बारिश से जलभराव की समस्या देखने को मिली। लक्सर में भी बारिश से लोगों को गर्मी से हालांकि राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों की चिंता यहां पर बढ़ गई है। और अब चमोली से बड़ी खबर है, जहां भारी बारिश से राजमार्ग पर आया मलबा, जगह जगह मलबा आ जाने से मार्ग हुआ बाधित। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आया, तो छिनका नंदप्रयाग चटबाबी पीपल में यह मलबा आया है। कमेडा में भी मलबा आने से मार्ग बंद, तो छिनका के पास मार्ग को सुचारू किया गया है, मलबा हटाने का काम जारी है, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोका गया है। तो छिनका नंदप्रयाग और चटवा पीपल में ये मलबा आ जाने की वजह से मार्ग बंद हुए हैं, तो जिनको सुचारू करने की कवायद लगातार जारी। तो पहाड़ पर एक बार फिर बारिश का दौर है, और इस बारिश के दौर के बाद लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होते हुए तो साथ ही खासी दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। ये चमोली की एक्सप्लोजिव तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी बारिश से राजमार्ग पर मलबा आ जाने की वजह से देखिए किस तरह से जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया। प्रशासनिक टीम लगातार इस मार्ग को सुचारू करने में जुटी हुई है, तो जगह जगह मलबा आने से मार्ग बाधित है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा छिनका नंदप्रयाग और चटवा पीपल में भी मलबा आ जाने की वजह से मार्ग बंद हुआ है। तो कमेडा में भी मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध, छिनका के पास भी मार्ग सुचारू हालांकि कर दिया गया है। मलबा हटाने का काम जो है, जहां पर मलबा आ जाने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, उनको सुचारू करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। कई जगहों पर यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोका गया है। तो जगह जगह मलबा आ जाने से मार्ग बाधित हो रहा है। ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह से भयावह मंजर है। संवाददाता सुरेंद्र रावत भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या अपडेट है, क्या वहां पर हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो मौसम विभाग द्वारा बारिश का जो अलर्ट जारी किया था वो सटीक साबित हो, देर रात जनपद चमोली में भारी बारिश जो हुई है, उसके बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा चटवा पीपल छिनका के पास मलबा आने से बंद हो गया था, और नंदप्रयाग में भी पूरी तरह से बंद था, जहां पे छिनका और कमेड़ा में मलबा हटाकर मार्ग सुचारू कर लिया गया है, और चटवा पीपल और नंदप्रयाग के पास अभी मलबा हटाने का कार्य जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब अल्मोड़ा से बड़ी खबर है, जहां हल्द्वानी हाईवे पर आया मलबा, मलबा आने से क्वारब के पास हाईवे बंद। तो प्रशासन ने चार दिन पहले ही राजमार्ग को खोला था, प्रशासन ने रूट को किया डायवर्ट, मार्ग को प्रशासन की टीम। तो अल्मोड़ा से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां हल्द्वानी हाईवे पर मलबा आ जाने की वजह से राजमार्ग बंद हो गया है। तो मलबा आने से क्वारब के पास हाईवे बंद हुआ है, प्रशासन ने चार दिन पहले ही राजमार्ग को खोला था, और एक बार फिर से यही स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। प्रशासन ने रूट को डायवर्ट किया है, रूट डायवर्ट होने की वजह से कई जगहों पर जाम जैसी भी स्थिति है। तो मार्ग को खोलने में प्रशासन की टीम एक बार फिर जुट गई।